सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज भी का हमारे आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि आईसीएसई बोर्ड पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। देखो गाइज, काफ़ी कुछ आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है। मैं सारी बातें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा क्योंकि कई सारी बातें बताई है आईसीएसई बोर्ड के ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने, तो ज़्यादा आप कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा और आप पूरी वीडियो को बिल्कुल सही तरीके से देखना। देखो गाइस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबसे पहले आईसीएसई बोर्ड को ये कहा कि जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया है कि महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाने बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अभी दो दिन पहले डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये डिसीजन आया था कि महाराष्ट्र के अंदर एग्जाम नहीं हो सकते जुलाई के मंथ के अंदर। और बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। पहली बात तो ये कही बॉम्बे हाईकोर्ट ने। दूसरी बात ये बोली कि आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के ऊपर अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। उन्होंने ये बात बोली कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब अपना डिसीजन देगी, उसके बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आज दोपहर तक माना जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फैसला देगी, उसके बाद में 29 जून नेक्स्ट डेट दे दी वापस आईसीएसई बोर्ड ने 29 जून की। 29 जून को अब अपना नेक्स्ट फैसला आईसीएसई बोर्ड सुनाएगा। तीसरी बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक और कही है कि जो कल मतलब कल जो सीबीएसई का फैसला होगा उसी तरीके का फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट लेगा। उन्होंने क्लियर कहा है कि अगर सीबीएसई एग्जाम कैंसिल करती है तो बॉम्बे हाईकोर्ट भी 29 जून को बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर देगा। और दो बातें बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोली है। एक बात ये बोली है बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि स्कूल काफ़ी सारे स्कूल फोर्स कर रहे स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम करवाने के लिए, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि आईसीएसई बोर्ड को क्लियर डायरेक्शन दे दिए कि कोई भी स्कूल बच्चों को पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते, बच्चों को पेरेंट्स को फ्री माइंड होके उनको अपना डिसीजन लेने दो। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि नेक्स्ट डेट पर जो मैथोलॉजी आईसीएसई बोर्ड ने दी है उसके ऊपर चेंजेस करेंगे हम। ये सारी बातें तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीएसई बोर्ड को कही। जब एंड में कोर्ट की एंडिंग होने वाली थी, मतलब कोर्ट बंद होने वाला था, ये पूरी हियरिंग खत्म होने वाली थी, उस टाइम जो एडवोकेट लॉयर जो लड़ रहे थे स्टूडेंट की पेरेंट्स की तरफ से, उन लॉयर ने एंड में यही बात बोली कि बॉम्बे हाईकोर्ट से वो लॉयर प्रे कर रहे हैं कि नेक्स्ट डेट पर बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुना दे बोर्ड एग्जाम कैंसिल को लेकर। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी रिक्वेस्ट है कि वो बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दे। मतलब टोटली हर कोई बॉम्बे हाईकोर्ट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आईसीएसई और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए। मैक्सिमम गाइज आज जो हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम चांस अब यही लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए। और गाइज आज चांसेस लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग। गाइज मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी कोशिश करी कि सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। अगर आपको अभी कोई डाउट है इस वीडियो में तो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। गाइज आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करना जिससे उनको भी न्यूज़ सही तरीके से समझ आ सके और वो भी न्यूज़ देख सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुनिए घर पर रहो सेफ।